आखिर कौन होगा दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गणना अब भी जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाइडेन के बीच है कांटे की टक्कर। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन पहुंचे बहुमत के करीब, वहीं ट्रंप ने किया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव की वोटों की गिनती जारी है, जहां राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन मैदान में हैं। जो बाइडेन बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं, जिससे अमेरिका में बाइडेन के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 538 इलेक्टोरल वोट्स में से बहुमत के लिए 270 वोट्स की जरूरत है। फिलहाल बाइडेन के हिस्से में 264 इलेक्टोरल वोट्स, जबकि ट्रंप के पास सिर्फ 214 वोट्स हैं। ऐसे में बाइडेन बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 6 वोट्स दूर हैं और उन्हें अब जीत की सुगंध आने लगी है। हालांकि अभी कई प्रमुख राज्यों में नतीजे आने बाकी हैं और मतों की गणना कल से ही जारी है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। सबके मन में सवाल यही है कि क्या एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे या फिर जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। जो बाइडेन ने कल ही कहा था कि वे जीत की राह पर हैं और ऐसा लग भी रहा है। Who will be the president of the United States and their will alone? And now after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winner. वहीं इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच जुवानी जंग और कांटे की टक्कर जारी है। ट्रंप ने वोटों की गिनती पर सवाल उठाया है, इसके लिए ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि कल जहां हम जीत रहे थे, वहां अचानक हम पीछे कैसे हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली रात में मजबूती के साथ लीड कर रहा था। साथ ही ट्रंप ने कहा कि कई राज्यों में डेमोक्रेट ने मतगणना पर कंट्रोल किया है। वहीं बाइडेन ने कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि जीत हमारी ही होगी, मगर यह सिर्फ हमारी अकेले की जीत नहीं होगी, यह जीत अमेरिका के लोगों की होगी, हमारे लोकतंत्र की होगी और हर एक अमेरिकी की होगी। My friends, I'm confident we'll emerge victorious. But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America. And there will be no blue states and red states when we win. वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के चुनावी अभियान ने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया सरकार पर मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन से पीछे रह गए हैं। वहीं अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ऐसे कई राज्य हैं जिनकी मतगणना होना बाकी है। अगर अभी के ताजा हालातों को देखें तो जो बाइडेन बहुमत के करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं, जहां उन्हें 264 वोट मिल चुके हैं और उन्हें सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए 6 वोटों की जरूरत है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी रिपब्लिकन को 214 वोट्स मिले हैं। ऐसे में मतगणना जारी है और पलड़ा कभी भी पलट सकता है, लेकिन ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा।